वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम 1.0 2011-12 में जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था, जिसके तहत 377 करोड़ लागत के 144 प्रोजेक्ट्स 15,000 कामों के साथ पूरे कर लिए गए हैं और साथ ही 2 लाख हेक्टेयर एरिया का ट्रीटमेंट भी किया गया है। अभी के फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान अब तक विभिन्न तरह की 3,254 कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जो कि माननीय एलजी साहब को बताना चाहूंगा कि इस तरह की वर्चुअल पीआरए कॉन्फ्रेंस, इसके अंदर हम लोगों ने आज की तारीख में लगभग 20 जिलों के 226 ब्लॉक्स के लगभग 15,000 से भी ज्यादा पीआरआई को आज ऑडियंस में लिया है। आज की जो कॉन्फ्रेंस का जो एलजी साहब जो मेन आज का टाइटल है वो है उन्नत ग्राम उन्नत देश, या फिर हम कह सकते हैं उन्नत जम्मू कश्मीर। इस सारी कड़ी के अंदर जो हमारा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क बनाया गया है रूरल डेवलपमेंट मैक्मे की तरफ से, उस स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क का कम इस्तेमाल हो रहा था ट्रेनिंग पर्पज के लिए, तो उस ट्रेनिंग के लिए आज जेके एम्पावर्ड और रूरल डेवलपमेंट ने आपस में पार्टनरशिप करके हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इस्तेमाल करके ई बोर्ड पे सभी पंचायत को कनेक्ट किया है। मैं जनाब अली मनोज सिन्हा साहब को बताना चाहूंगा कि पंचायतों की सशक्तिकरण के लिए स्कीमों की जानकारी और जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए जेके एम्पावर्ड, जो कि हमारी स्टेट का स्टेट इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट भी है, वो अपनी भूमिका को निभाते हुए इस प्रोग्राम को आज इम्प्लीमेंट करेगा। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में पंचायतों की सशक्तिकरण और ट्रेनिंग के ऊपर काफी जिम्मेदारी दी है और यही ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से भी हमें आदेश है। सर, इसके अंदर जो SIIT की भूमिका रोल है वो बेसिकली सिर्फ हमारे जो 2 सेंटर्स हैं जम्मू श्रीनगर के, उसके अलावा जो हमारे हर जिले में एक्सटेंशन सेंटर्स हैं उसके थ्रू भी हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भूमिका बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 2020 में जो पंचायत इलेक्शन हुए जिसके अंदर सिलेक्ट हो गए पंचायती राज रिप्रेजेंटेटिव आए, जिसके अंदर लगभग 44,490 लगभग 45,000 के करीब BTC मेंबरान, DTC मेंबरान और ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स आए, उनको विभिन्न तरह की सरकारी स्कीमों की जानकारी देना और उनकी जन भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य है। सर, जो हमारे 73 अमेंडमेंट का जो बेसिक मंशा थी, हर गांव हरियाली, हर गांव दस्तक इत्यादि बहुत सारे कैंपेन्स हैं जो ऑनरेबल उपराज्यपाल जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए कई सारे काम किए, उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम ऑनर्ड हैं कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं। EMAY की जो स्कीम से नवाजा गया हमें, ज्यादा से ज्यादा इसमें तरजीह दी गई और हमें ज्यादा से ज्यादा